우리 잘사는 말이에요. 우리 멋지가 멋지라미니디야. 아, 우리 멋지라미니디, 개미나 주내기. एक दिन इसी माँ ने इसी घर से अपनी बेटी की डोली की विदा की होगी, उसकी विदाई की होगी इसी घर से, इसी गली से, लेकिन आज उसका शव यहाँ से जाएगा। एक माँ के ऊपर क्या बीत रही है आप खुद समझ सकते हैं। माँ विलाप करती हुई, पारुल की माँ विलाप करती हुई, परिवार की महिलाएं हैं जो यहाँ पर विलाप करती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो सामने मुझे ऐसा लगता है कि शायद पारुल की माँ है, पारुल की माँ है जो रोती हुई आपको, विलाप करती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। जुआ सब खेलता बच्चा, शराब पी के मारपीट करता लड़के के साथ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है जी। पारुल की मम्मी हूँ जी मैं। आज ऊपर अकेली थी? हाँ जी, ऊपर अकेली वैसे गई थी जी वो यहाँ से। मैंने कहा बेटा नीचे आ जाने को, मैं अभी आ रही हूँ। उसने पता नहीं क्या उसके मन में आया, दरवाजा बंद कर लिया। मैंने बाकी देखा भी जाके, मैंने कहा बच्चे बेटा खोलिए खोलिए दरवाजा, मैंने कहा आवाज नहीं आई। कितने बजे के दौरान उसने अभी ऐसा कदम उठाया? एक दो बजे के बाद की बात है जी। दो हाँ जी, आप नीचे ही थे? हाँ जी, मैं नीचे थी। मैंने कहा कोई नहीं बच्चा, चल आराम से सो। आपने पारुल को? हाँ जी, आवाज लगाई, कोई सोड़ा ही नहीं दिया। मैंने दरवाजा तोड़ा गया, फिर दरवाजा तोड़ा नहीं देखा तो वो लटकी हुई है जी। तो पैसे मांगते थे उसको ससुराल वाले में उससे? हाँ जी, पैसे के लिए बहुत टॉर्चर करते थे उसको। 3 महीने पहले पारुल को आप लोग लेकर आए थे, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया? हाँ जी, घर से निकाल दिया था। उन्हें मारपीट के उन्हें कह दिया था, यहाँ फोन कर दिया ले जाओ इसको का। फिर आप लोग लेकर आए? हाँ जी, हम लेके आ गए थे। परेशान? हाँ जी, तब से परेशान थी यहाँ। मानसिक तनाव में? हाँ जी, बच्चे की हमारी परेशान थी, लड़का ने उसको दिया था जी। वीडियो कॉल वगैरह पे बात होती थी कभी? नहीं जी, कभी नहीं हुई जी। उन्होंने तो आके यूं भी नहीं देखा भाई कैसे हो रहा, क्या नहीं है, ठीक है या नहीं, बात भी नहीं करने नहीं जी, बात भी नहीं कर, आए भी नहीं यहाँ, एक दिन भी यहाँ नहीं आए। इसी वजह से ज्यादा परेशान? हाँ जी, वो परेशान थी अपने भाई, लड़का नहीं उसको दिया। 2 बार हमने फोन करके बुलाया, लड़के का 4 साल का है जी। सिर्फ 4? हाँ जी, 4 साल का बच्चा, कभी भी नहीं देते थे उसको। यहाँ आती थी बच्चे को, कभी नहीं देते थे। कोर्ट में बच्चे ना देवेंगे, इतना बच्चा नहीं देंगे। कोर्ट में बच्चे ना देंगे। क्या नाम है बच्चे का? मेरे कोर्ट से ले लो जी। नाम? बच्चे का नाम? बोलू क्या नाम है? ए अरुण, नाम कभी नहीं? नाम क्या भाई का? उसका नाम भी भूल गया। वो 4 साल का बच्चा जो अपने फिलहाल पिता के साथ है, दादा दादी के साथ है, उस बच्चे को अर्नव बच्चे का नाम है। 4 साल का बच्चा है पारुल का, और उस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उस बच्चे ने पिछले 3 महीनों में अपनी माँ से बात नहीं की, 3 महीनों में अपनी माँ को देखा नहीं, और अब उसको उसकी माँ कभी नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा ही अब तो उसको कभी नहीं दिखेगी, कभी नहीं मिलेगी उसको उसकी माँ। उसकी माँ तो छीन ही गई उससे, छीन ली गई। हाँ, छीन ली गई। ससुराल वाले, ससुराल वालों ने छीनी छीनी उन्होंने, पैसे की मांग करते हैं। पैसे की मांग करते हैं। मेरा रेखा। पारुल की कौन लगती है? मैं चाची लगती हूँ। तो पारुल की भाई बहन वगैरह और भी आए? हाँ, भाई है, भाई है, भाई खड़ा है यहाँ पर। आप बाहर हैं? पारुल की बहन भी इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है, बाहर ही खड़ी हुई है, और भी रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच रही हैं। आप बहन है? हाँ, उसकी ननद भी है साथ में, उसको भी मेरे को इंसाफ चाहिए अपनी बहन के लिए। वो 4 के 4 है। उसको बात होती थी आपकी, क्योंकि 3 महीने से तो यहाँ रह रही है? हाँ, बात होती थी, मेरे को बताती थी सारा। ये टॉर्चर कर रखी थी लड़की, और जो है सट्टे खेलता था वो, और पैसे मंगवाता था। हमने 10-12 लाख रुपए दे चुके हैं हम पैसे, और अभी भी छोड़ रखे थे। उसका नाम है अनीशा। एक और जानकारी मिली है कि 3 महीनों में पारुल अपने बच्चे को देख भी नहीं पाई, वीडियो कॉल भी नहीं कर पाई। हाँ, कैसे छोटा सा बच्चा कैसे छोड़ सकते हैं अपने बच्चे को, बड़े को भी नहीं छोड़ सकते हैं कैसे? वो दिल पे पत्थर रख रखी थी लड़की ने उसने। हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। चारों वो जेल में होने चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए हमें। तो आरोप आप देख सकते हैं कि मायके वाले हों, चाहे पारुल की बहन हो, चाहे पारुल के भाई हो, पारुल के पिता हो, हर कोई आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है।
पारुल के ससुराल वालों पर हर कोई परेशान, आस पड़ोस के आप देख सकते हैं, गली के लोग हैं शायद, या रिश्तेदार हैं, क्या नाम है आपका? हम तो पड़ोसी हैं जी। पड़ोसी हैं, यहीं रह रही थी पारुल? हाँ जी, हमारे पास रहती थी, हमारा मकान है इधर। अच्छी थी लड़की, बिना बच्चे की आई थी यहाँ पर? हाँ जी, बिना बच्चे की आई थी, उन्हें बच्चा ही नहीं दिया, छीन लिया उनको, दहेज लाओ फलाना लाओ मारते थे पीटते थे उनकी, इतनी वो करते थे और छीन लिया बच्चा, उसकी सास ने मारा, सब ने मारा, परेशान चल रही, परेशान थी वो बहुत दिन से, परेशान थी, रोती थी, मारती थी, पीटती थी अपने माँ बापों के। आज सुबह आपने देखा पारुल? नहीं, आज नहीं देखा जी हमने, आज देखा नहीं, और अब शायद कभी देख भी नहीं पाएंगे, कभी मिल नहीं पाएंगे, कभी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पारुल इस दुनिया में ही नहीं रही। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जब ऐसी बातें ससुराल वालों के लिए निकल कर सामने आती हैं तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि पारुल की खुद की भी ननद है, यानी कि उनकी खुद की भी बेटी है, जिनकी खुद की बेटियां होती हैं वो तो किसी और की बेटी के साथ ऐसा करने से उन्हें डरना जरूर चाहिए। और परिवार वालों का पूरा पूरा आरोप है कि ससुराल की प्रताड़ना के चलते, ससुराल की परेशानी के चलते पारुल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।